तेरे इंसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो। ओम शांति। आज 7 जुलाई 2023 प्यारे बाप दादा के साकार ईश्वरीय मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बाबा कहे, एक बाप को अर्थ सहित याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, आत्मा पतित से पावन बनेंगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। फिर कहा कि मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं कि ओ गॉड फादर, हमें पापों से मुक्त करो, ओ रहम दिल बाबा, रहम करो। तो बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और सबको पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। और युक्ति बाबा ने बताई, बच्चे मुझे याद करो। फिर कहा कि सिर्फ महिमा गाने से, चरित्र का वर्णन करने से कोई प्राप्ति नहीं, प्राप्ति है राजयोग सीख कर चरित्रवान बनने से। और आज बाबा ने विशेष सर्विस के लिए कहा, और उसमें भी विशेष बाबा ने कहा कि सबसे पहले सबको एक सत्य बाप का सत्य परिचय देना है, बाबा के बनवाए हुए चित्रों पर ध्यान खिंचवाना है, समझाना है पहले ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज रूप कहा जाता है, वह सत है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। और कहा आत्मा भी सत है, अर्थात अजर अमर अविनाशी है, जलती मरती नहीं है। फिर कहा बाबा आए हैं सचखंड की स्थापना करने के लिए, तो इसलिए उनके साथ सच्चा होकर रहना है। उनकी याद से ही आत्मा स्वच्छ पवित्र बनती जाएगी, बर्तन साफ होता जाएगा। सुनते हैं बाबा के अनमोल महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे, आत्मा पतित से पावन बनेंगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है ही याद की। आज मुरली से प्रश्न है, मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर, हमें पापों से मुक्त करो, ओ रहम दिल बाबा, रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, तुम मुझे याद करो। सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं, चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? बिगड़ी को बनाने वाले की। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने वाला वह है ऊंच ते ऊंच। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है कि ऊंच ते ऊंच भगवान गाया जाता है, ऊंच ते ऊंच उनका नाम भी है, ऊंच ते ऊंच उनका ठाव रहने का स्थान भी है, ग्रंथ में भी है, ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाव, ऊंच ते ऊंच रहने वाला है परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं ग्रंथ में भी भगवान के लिए यह महिमा गाई हुई है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंचा तू है भगवान। वह है निराकारी दुनिया, जहाँ निराकार परम पिता परमात्मा रहते हैं। फिर नीचे है आकारी और साकारी दुनिया, तो पहले परिचय उनका देना है। परम पिता परमात्मा तो है ही ट्रुथ, सत्य, वह है रचयिता। फिर है उनकी रचना ऊंच ते ऊंच बीज रूप, फिर उनके नीचे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह है रचना। रचयिता सबके ऊपर है, वह रचयिता है बाप, बाकी है रचना। सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है, इसलिए हम आत्माएं सब भाई भाई ठहरे। तो परमपिता परम धाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। शारीरिक पिताएं तो बहुत है ना, पहले परिचय देना है रूहानी बाप का, उनकी है सब रचना, चित्रों पर ही ध्यान खिंचवाना है।
पहले पहले हैं ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि रूपी जाड़ का चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। वह सत चित आनंद स्वरूप है। सत अर्थात सच कहने वाला आत्मा भी सच है, वह भी जलती मरती नहीं है अर्थात अविनाशी है। सत के बच्चे सच होने चाहिए। सच के बाबा तीन भावार्थ बता रहे हैं। एक सच माना जो कभी झूठ नहीं बोलते, दूसरा सच जो अविनाशी है, और तीसरा सच जो सतो प्रधान है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा सदा सच बोलने वाले हैं, पावन हैं, ऐसे बच्चों को भी होना चाहिए। तुम पहले पहले देवी देवता सच्चे थे, पावन थे, सच खंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। ऐसे नहीं कि परम पिता परमात्मा झूठ खंड स्थापन करते हैं, नहीं, सच खंड था फिर यह भारत झूठ खंड बनना है। सच्चा है परम पिता परमात्मा, पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे। और सब है झूठ, पांच विकार रूपी माया रावण झूठा बनाती है। राम शिव बाबा सच्चा, रावण झूठा तमो प्रधान। रावण ही भारत को झूठ बनाता है, पतित बनाता है। कहानी सारी भारत पर है। समझाना है भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। बाप को स्वर्ग बनाने वाला व स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। महिमा भी भारत की है। आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको सुनाते हैं, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो कि हम आत्माएं फिर से परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रही हैं। गाया भी जाता है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अभी यह मिलन बहुत सुंदर मंगलकारी है। तुम पहले पहले बाप का परिचय देते हो, रचयिता बाप को सर्वव्यापी कहने से फिर यह सिद्ध नहीं होता कि हम सब बच्चे हैं। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब परमपिता परमात्मा हैं। सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ वह लव नहीं रहता, न बुद्धि योग रहता है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है बाप से। सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाए? क्या अपने आप से लगाए? कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यहाँ तो तुम अर्थ सहित जानते हो। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो होते रहते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होंगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेंगी। स्कूल में भी कोई किसी सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं, कोई किस में तीखे जाते हैं। सहज सब्जेक्ट है याद की। बाप को याद किया जाता है। याद से फिर आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा, बुद्धि रूपी बर्तन साफ होगा। आत्मा जो इम्प्योर बनी है वह प्योर बन जाती है। ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं और ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। समझते हो कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाता है। वह तो सतयुग है, उनको कहा जाता है नई दुनिया। उनको रचने वाला बाप है, वह है निराकार। सभी कहते भी हैं ओ गॉड फादर। वह ऊंचते ऊंच रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली हुई है, उनको सूक्ष्म लोक कहा जाता है। और वह परम धाम है शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड। यह है स्थूल वतन। तो पहले पहले जब कोई भी आते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। आत्मा का बाप कौन? ऊंचते ऊंच भगवान को ही कहा जाता है। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं हमारे पापों को दग्ध करो और रहम दिल बाबा रहम करो। ऐसे ऐसे पुकारते हैं। रहम सभी तो नहीं करेंगे, सब पर रहम करने वाला तो एक ही बाप है, सर्वोदया कहते हैं ना। अब वह क्या करते हैं, कितनों पर रहम करते होंगे, वह भी ड्रामा में नोंद है। इस समय जो कुछ चलता है उनसे तुम भेंट करते हो। गीता भागवत में यह बातें है नहीं। गीता है ज्ञान, बाकी चरित्र आदि की तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते हैं क्या? मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई भी फायदा नहीं।
बाबा कहते हैं स्टूडेंट को टीचर की महिमा करने से कोई प्राप्ति नहीं होगी, पढ़ाई से प्राप्ति होगी। बाप की सिर्फ महिमा करना, वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, इससे कुछ भी मिलता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको राजयोग सिखलाई त्रिकालदर्शी बनाते हैं, अर्थात तीनों कालों और तीनों लोकों की नॉलेज देते हैं। तो तुम मास्टर त्रिलोकी के नाथ भी कहला सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोकों को जानने वाले नाथ बनते हैं, यह राजयोग है। हम बादशाह बन रहे हैं, बनाने वाला बाप हैं। पारसनाथ कहते हैं ना, वह है लक्ष्मी नारायण, बल उन्होंने मंदिर हैं, लेकिन मनुष्य जानते नहीं कि यह कौन है। लक्ष्मी नारायण है पारसपुरी के नाथ, पारसपुरी सतयुग को कहा जाता है। तुम यह जानते हो कि बरोबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरों के महल थे, पारसनाथ थे, अर्थात एकदम पवित्र सतो प्रधान थे। तो पहले पहले यह समझाओ कि यह मानते हो कि सभी का रचयिता बाप हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता ठहरा। पहले तो यह निश्चय करो कि वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को यह नॉलेज कब मिली? बाप कहते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ नॉलेज देने। बरोबर तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो, कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है। बाबा कहते हैं इसी नॉलेज से ही तुम आत्मा पारसनाथ बनते हो, तो कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है। यहाँ बैठे हो तुम समझते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाई, पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनेंगे। बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं कितने धनवान थे, बहुत जेवर आदि थे, बहुत साहूकार होते हैं। तो पहले पहले बाप को जान, उनसे वर्षा लेना है, याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात यह है। कौन सी सूक्ष्म बात? बाबा कहते हैं याद, कि याद से ही प्राप्ति होती है और पढ़ाई से पद मिलता है। हीरे जवाहरों के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वह खत्म हो गए हैं, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे, फिर खत्म हुए, फिर होंगे जरूर, ड्रामा में नोंद है। यह बुद्धि से समझने की बात है। बाबा कहते हैं यह निश्चय से ज्ञान को समझने की बात है कि पहले हम सर्वगुण संपन्न देवता थे, सतयुग में थे, अभी नहीं है, फिर सतयुग में होंगे जरूर। यह बुद्धि से समझने की बात है। लड़ाई में भी सब टूट फूट जाते हैं, फिर नए सिर महल बनाते हैं, पहले जरूर बनाए होंगे। तुमको साक्षात्कार होता है कि बरोबर महल हैं, हमने बनाए थे, ऐसे नहीं कि सागर के नीचे चले गए जो अब निकलने हैं, नहीं। यह तो ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। वह समझते हैं कि लंका रावण की अथवा सोने की द्वारिका नीचे चली गई जो फिर निकलेंगी। बाबा कहते परंतु ऐसे तो है नहीं, अभी तुम द्वारिका सतयुग के मालिक बन रहे हो। कितने माला माल थे, धन दौलत सब था, अब सब गायब हो गया है, सब ले गए हैं, फिर ऐसे ही होगा। पहले पहले बाप का परिचय देकर फिर चक्र का राज समझाना है कि यह कैसे फिरता है। सतयुग की स्थापना बाप ही करेंगे। अब बाबा सन्मुख बैठ कहते हैं कि मुझे याद करो, इस याद की योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनते हो, और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से आत्मा पतित से पावन बनती है, पतित पावन बाप ही आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। फिर तुम गंगा के लिए क्यों कहते हो कि यह पतित पावनी है? जप तप गंगा स्नान आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग पहले अव्यभिचारी था, फिर व्यभिचारी बना है। आधा कल्प लगा है व्यभिचारी बनने में, 16 कला से 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। यह ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह ज्ञान सागर बाप ही समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहा जाता, परम पिता परमात्मा कहने से बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकर तरफ नहीं जाती है। आत्माएं परम पिता परमात्मा बाप को याद करती रहती हैं। जब उन्हों को दुख होता है, सतयुग में सुख है, तो कोई पुकारता नहीं। अब आत्माएं जानती हैं कि आधा कल्प से दुख पाया है, अभी फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहां सतयुग में कोई भी दुख नहीं,
इसलिए सतयुग में बाबा को याद करने की दरकार नहीं पड़ती। ड्रामा अनुसार बाबा हमको सुख का वर्षा देकर ही जाएंगे। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में जाकर बैठते हैं, गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप स्वयं आकर सतगुरु बनते हैं, कहते हैं कि मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। ऐसे तो और कोई भी कह न सके, साथ में तो कोई भी नहीं ले जाएंगे। हर एक को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े, पार्ट में तो आना ही है। मैं तो घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेता हूँ, अगर मैं ही घड़ी घड़ी जन्म लूँ तो तमो प्रधान बन जाऊँ। आत्मा ही इम्प्योर बनती है, आत्मा में खाद पड़ती है। गोल्डन एज सिल्वर एज अक्षर भी है, बरोबर अभी आयरन एज है, अर्थात तमो प्रधान है, अब संगम है। बाप को जरूर आना ही है, पुरानी सृष्टि को नया बनाने, यह बाप का ही काम है। बाप ही पतित पावन है, अर्थात सृष्टि को बदलने वाला है, सृष्टि का रचयिता नहीं बदलने वाला है। बाबा कहते हैं, मैं नई सृष्टि रचता नहीं हूँ, पुरानी को नया बनाता हूँ, बदलता हूँ। रचने वाला कहने से मनुष्य समझते हैं बड़ी प्रलय होती है। पतित पावन अक्षर ठीक है, साधु लोग भी गाते हैं पतित पावन सीताराम, ऐसे तो कभी नहीं कहते कि पतित पावनी गंगा। पतित पावन कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। गंगा नदी तो वहाँ भी सतयुग में होती है, परंतु वहाँ सब चीजें सतो प्रधान हो जाती हैं। गंगा भी सतो प्रधान अर्थात स्वच्छ होती है, यहाँ तो तमो प्रधान है, फ्लड्स कर देती है, गांवड़े को डुबो देती है। ब्रह्मपुत्रा कितने गांव को डुबो देती है, यह है ही दुख धाम। सतयुग में थोड़े ही दुख भोगेंगे, वहाँ तो कायदे सिर अपना रास्ता लेकर चली जाएंगी, यहाँ रास्ता छोड़ देती हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ जब प्रकृति पांच तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं तो अपना अपना रास्ता बदल देते हैं, जिससे मनुष्यात्माएं दुख पाते हैं। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता, कभी किस तरफ चली जाती हैं। वहाँ सतयुग में पांच तत्व सतो प्रधान होने कारण जल भी कभी दुख नहीं देता, यहाँ जल भी दुख देता है। पहले तो यह समझना है कि स्वर्ग का सुख देने वाला कौन है, जरूर बाप ही होगा, अभी तो नरक है। बाबा आया है, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारिया हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हो तब नई सृष्टि रचे, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। किसने किया? परम पिता परमात्मा ने। श्री कृष्ण तो स्वयं देवता है, बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, यह तुम अभी जानते हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, जानते नहीं थे कि सतयुग किसने स्थापन किया। सतयुगी सृष्टि फिर कलयुगी बन जाती है, तो तुम बच्चे समझ गए हो, तुम बच्चे समझ गए हो कि यह बड़ा मांडवा है आकाश तत्व, इसमें खेल होता है, अर्थात मनुष्यात्माओं का पार्ट चलता है, ओपन स्टेज है ना। मनुष्य पार्ट बजाते हैं तो रोशनी भी चाहिए, इसके लिए फिर सूरज चांद सेवा करते हैं, सितारे भी चमकते हैं। जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं, इसलिए सूर्य देवता चांद देवता कहते हैं, रोशनी आदि का सुख देते हैं ना। लास्ट में बाबा ने कितनी अच्छी बात की क्लेरिफिकेशन दिया कि मनुष्य जो कहते हैं कि सूर्य देवता चंद्र देवता, उनको देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबको सुख देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम दिलबन सभी पर रहम करना है। दूसरा, बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोगों से मुक्त भाव। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोगों से मुक्त भाव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल अविनाशी फल
सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोगों से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल, अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। यह फल ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते हैं। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला फल है। बाबा कहते हैं, संगम पर जो फल मिलता है सेवा भाव का, वो प्रत्यक्ष फल मिलता है, जिसको अमर फल कहते हैं। और यही संगम की सेवा का फल, जिसमें ऐसी ईश्वरीय जादूगरी है जो लोहे समान कड़े से कड़े संस्कार वाले को चमकदार हीरा गुणवान संपन्न बना देते हैं। आज का स्लोगन है, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान है। अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।